सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आप अगली वीडियो घंटा ना मिस कर पाए। और यार चलिए आज के इस वीडियो में हम यह जानते हैं कि यूट्यूब जो है यूट्यूबर को YouTube प्ले बटन कब देता है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं, यह तभी जान पाएंगे जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। यदि लास्ट तक नहीं देखेंगे ना तो फिर आप यही बोलेंगे तो यार खैर छोड़िए, चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो भाई यार चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई यार YouTube जो है यूट्यूबर्स को YouTube प्ले बटन कब देता है। भाई रुको, YouTube प्ले बटन कब देता है हम यह बताने से पहले आपको बता देते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि भाई यार हम क्या अपने YouTube चैनल पर 100 सब्सक्राइबर, 1K सब्सक्राइबर और 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या हमें तब पर भी YouTube प्ले बटन जो है सेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बिना घुमाए फिराए, जब आपके YouTube चैनल पर 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो YouTube प्ले बटन आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ सही सुन रहे हैं, जब आपकी YouTube चैनल पर 100 सब्सक्राइबर हो जाए या 1K सब्सक्राइबर आप कंप्लीट कर ले या 10K सब्सक्राइबर कर लेना तो तब पर भी आपको YouTube प्ले बटन नहीं मिलेगा। क्योंकि जब मैं आपको बता दूं कि YouTube प्ले बटन हमें तब मिलता है जब हम अपने YouTube चैनल पर 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं, तब जाके हमें सिल्वर प्ले बटन मिलता है जो कि कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जब आप अपने यूट्यूब चैनल पर 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं तब जाके आपको सिल्वर प्ले बटन जो कि YouTube का पहला अवार्ड मिलता है। और इसे अप्लाई कैसे किया जाता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपके YouTube चैनल पर 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको YouTube को एक मेल सेंड करना पड़ेगा। जब मेल सेंड करेंगे तो YouTube की तरफ से बैक रिप्लाई आएगा, तो वहां पर आपको एक कोड दिया जाएगा और एक लिंक दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस लिंक को ओपन करके आपको उस कोड को जो है वेबसाइट पर एंटर करना पड़ेगा, जो लिंक दिया गया रहेगा उसी लिंक पर क्लिक करके उस वेबसाइट पर आपका अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा और आप अपने YouTube प्ले बटन पर क्या नेम चाहते हैं वो लिखना पड़ेगा और आपको वो जो कोड YouTube ने भेजा है वो एंटर करके आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका एक महीने बाद या डेढ़ महीने बाद आपके पास YouTube प्ले बटन जो 100K सब्सक्राइबर का था सिल्वर प्ले बटन वो आपके पास पहुंच जाएगा। और सेकंड प्ले बटन की मैं बात करूं तो सेकंड प्ले बटन जो होता है गोल्ड प्ले बटन होता है। जब आप अपने YouTube चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको दिया जाता है और अप्लाई करने का प्रोसेस वही रहता है जैसा कि मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट बात आती है कि अब भाई नेक्स्ट अवार्ड हमें कब मिलता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं नेक्स्ट अवार्ड्स आपको तभी मिलेगा जब आप अपने YouTube चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर, यानी कि समझ सकते हैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर कितने जीरो होते हैं, बहुत ज्यादा जीरो होते हैं यार भाई। जब आप अपने YouTube चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं तो तब जाके आपको डायमंड प्ले बटन दिया जाएगा जो कि कुछ इस टाइप में रहता है। यार बस इतना ही प्ले बटन मिलता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपके दिमाग में एक जरूर क्वेश्चन रहता है कि भाई यार क्या यह जो सिल्वर प्ले बटन मिलता है तो क्या वह सही में सिल्वर प्ले बटन रहता है, और क्या हमें जो गोल्ड प्ले बटन मिलता है तो क्या वो सच में गोल्ड का रहता है, और जो हमें डायमंड का प्ले बटन मिलता है क्या वो सच में डायमंड का रहता है। तो यार मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, केवल वो डायमंड का कलर रहता है और गोल्ड का कलर रहता है और सिल्वर का कलर रहता है, वहां पर रियलिटी में सिल्वर गोल्ड डायमंड का नहीं रहता है, केवल वो कलर रहता है। तो अब आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा कि भाई यार प्ले बटन कब मिलता है और कैसा रहता है। तो यार बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और नहीं पसंद आया हो तब पर भी लाइक करिएगा, और हाँ कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा।